अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबकी दुआओं से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आ जाइए बहन, तो किचन उन्होंने संभाला है, वो आज कुछ नया बना के खिलाएंगी। जी आ रहे हैं, तो चलिए देखिए वो बना रही हैं। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और उनसे कहूँगी कि थोड़ा बताकर बनाए कि वो बना के आ रही हैं। यहाँ तैयारी हो गई है बनाने के लिए। अब ये बनाएंगे दम आलू और खस्ता कचौड़ी बावर्ची स्टाइल में। देखिए कैसे बनता है। अच्छा ही बनेगा लग रहा है, मुझे फीलिंग ऐसी आ रही है। बताकर बनाइएगा कैसे क्या कर रही हैं। अब इसको हम 2 घंटा भिगो देंगे। खस्ते के साथ आलू की सब्जी बनाने के लिए हम 4 से 5 आलू को बॉईल कर लेंगे। अब कचौड़ी बनाने के लिए कुछ खड़े मसाले हैं जिनको मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी। 3 चम्मच खड़ा धनिया, 4 चम्मच, 2 चम्मच जीरा, 10 से 12 काली मिर्च और 2 चम्मच सौंफ। इसको मैं ड्राई रोस्ट कर पीस लूँगी। अब इसको पीस कर हम इसका एक दरदरा सा पाउडर बना लेंगे। अब हम 1 टेबल स्पून बारीक कटी हुई अदरक ले लेंगे, 1 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ हरा मिर्च और इनको कूट लेंगे। तेल हमारा गरम हो गया है, अब इसमें थोड़ा सा डालेंगे हींग, 1 टेबल स्पून डालेंगे जीरा, थोड़ा सा वो अदरक और मिर्च कूटा हुआ था वो, और अपने आलू। तो थोड़ा चला लेंगे। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सूखे मसाले, जो हमने ड्राई रोस्ट किया था वो मसाला, 1 टेबल स्पून धनिया, थोड़ा सा लाल मिर्च और स्वाद के हिसाब से नमक। इसको हम लोहे की कढ़ाई में बनाएंगे ताकि ये हलवाई वाला फ्लेवर आए इसमें। अब फाइनली हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा अमचूर पाउडर और थोड़ा सा काला नमक पाउडर। एकदम लग रही है ना हलवाई स्टाइल कचौड़ी वाली सब्जी। सॉफ्ट सा डो बना लेंगे। अब हम इसको 30 मिनट रेस्ट के लिए रख देंगे। अच्छा, ये वही मूंग दाल है जो इन्होंने भिगोया था और जो मसाला इन्होंने मतलब उसमें कूटा था वो मसाला मिला है। देखने में बड़ा यमी लग रहा है और इसकी महक भी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। चलिए खाने के बाद बताएंगे। मुझे नहीं पता था इतना अच्छा खाना बनाने लगी हो। वाह, कलर कितना अच्छा आ रहा है।
सीख गई हो बनाना। इसको मीडियम आंच पर हल्का हल्का ऐसे ऊपर इसको ऑयल डालकर अगर आप फ्राई करेंगी तो ये फूलेगा। देखकर ही बड़ा यम्मी लग रहा है। जल्दी बनाओ भैया, भूख भी लग गई है। ये ऐसे बीच से फट नहीं बता रहा है कि अंदर से बिल्कुल पक गई है। ले जी, तैयार हो गई है मेरी यम्मी यम्मी सी खस्ता कचौड़ी और दम आलू। अब खा कर बताते हैं कैसा बना है। चलिए मैं खाती हूँ। अब आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ अगले व्लॉग में जल्दी इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।